हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैश उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी दूध से खोया बनाने की रेसिपी बिल्कुल आसानी से और दानेदार खोया बाज़ार से भी अच्छा आप इसे घर में बना सकते हैं तो रेसिपी को आपने कम्प्लीट देखना है तो चले फिर इसे बनाना इस्टार्ट करते हैं यहाँ कढ़ाई में लेंगे एक लीटर मिल्क यह खुला हुआ फुल फैट मिल्क है दूध जितना गाढ़ा होगा उतना अच्छा इसका खोया बनके तैयार होगा पहले हाई फ्लेम करके इसे बॉयल आने तक पकने दें और जब इसमें बॉईल आ जाए तो चूल्हे की आंच मीडियम कर दें। इस तरह से ये पकता भी रहेगा और गिरेगा भी नहीं अब टू टेबल स्पून इसमें घी शामिल करेंगे घी की जगह आप मक्खन भी डाल सकते हैं घी इसमें मिक्स कर लें मीडियम लो हीट पे इसे पकने दें और बीच बीच में चम्मच से मिक्स भी करते रहें ये खुश्क होने लगेगा पच्चीस से तीस मिनट लगेंगे जब ये इस तरह का थिक होने लगेगा इस टाइम चम्मच से मिक्स करते जाएंगे और साइड भी साफ करते जाएं इस तरह से साइड साफ करते हुए इसमें मिक्स करें इससे ये जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और ये थिक होते हुए नीचे लग भी सकता है तो कंटिन्यूअसली इसे चलाते रहना है ताकि नीचे लगे नहीं वरना इसमें महक आ जाएगी और जब आप इसे किसी भी रेसिपी में डालेंगे तो आपकी रेसिपी खराब हो सकती है और आपकी मेहनत जाया हो जाएगी तो ध्यान रखते हुए पकाएंगे जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो इस पैचूला से चलाते रहें और चूल्हे की आंच लो कर दें घर में खोया बनाने से इसमें किसी चीज की मिलावट नहीं है ये एकदम ओरिजिनल खोया बन के तैयार होता है देखे लगातार चलाते हुए ये थिक हो गया है और खोया बनना स्टार्ट हो गया है गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हल्का ठंडा होने के बाद मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ ये देखें कितना अच्छा खोया बनके तैयार हुआ है आप लोग भी इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा बिल्कुल दानेदार बाज़ार जैसा खोया बना है ये एक किलो दूध से तकरीबन दो सौ ग्राम खोया बना है मैं इसे हाथ से चेक करके दिखाती हूँ रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखिएगा हाफिज़